रहा है, उसके बाद उनकी बात सही साबित हो गई कि देश में किस तरह का माहौल है, इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया। देखिए आमिर साहब की जो प्रतिक्रिया थी उनके इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों की उसकी प्रतिक्रिया थी, और इसको मैं जायज नहीं मानता हूँ जो लोगों ने किया है और जो लोग कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है समीरा कि एक आदमी जो यहाँ से हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाता हो, जिसको पूरे समाज ने एक सम्मान दिया हो, इस अलहदा इस बात के वो किस कम्युनिटी से है, किस रिलीजन से, उनकी कला को, उनकी भावना को, और जैसा कि अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि वो बीजेपी के स्वच्छता अभियान के एक सिपाही हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा डर महसूस हुआ है, कहीं ऐसी कोई शंका उनकी पत्नी को महसूस हुई थी, तो मोदी जी से तो वो मिले हुए हैं भाई। ये आप लोगों ने ही दिखाया, मीडिया ने ही दिखाया, क्या मोदी जी से बात नहीं कर सकते थे? या उस इंटरव्यू के पहले जहाँ चार पांच मंत्री बैठे थे उस वक्त ये चर्चा नहीं कर सकते? देखिए क्यों मोदी जी से सिर्फ बात करें, हमसे उन्होंने बात की है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना कहें और उसी बात को नहीं राजा कुटेला जी उसी को राहुल उसको सेकंड कर देते हैं। राजा कुटेला साहब अभी आप कह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से राहुल खाने के बाद में, तो ये योजनाबद्ध तरीके से राजा कुटेला जी आप बात पर वो तुरंत आमिर खान के साथ खड़े हो गए, तो ये मौके की तलाश। तो क्या कह रहे हैं आप कि योजना उन्होंने बनाई किसी के साथ मिलकर? किसके साथ मिलकर योजना बनाई आमिर खान? निश्चित तौर पर देखिए ये पिक्चर रिलीज होने वाली है दंगल, उसी के पहले का ये दंगल है, वो अगले साल है, इसको एक मौका चाहिए, कोई अगला साल वो फिल्म अगले साल दिसंबर का रिलीज होगी, फिर सरकार के खिलाफ अगर खड़ी हो जाती है, जरा तथ्य देखिए माहौल अगले साल दिसंबर में रिलीज है, एक साल पहले कोई माहौल बनाएगा? माहौल कब से बनाया जाता है? अब अगले साल में जनवरी एक महीना बाकी है, विजय विद्रोही जी इतना मुझे भी ज्ञान है और मैं सिनेमा से आया हूँ, सिनेमा तो आप ही कह रहे हैं कि एक साल पहले ही अपनी फिल्म के लिए माहौल बना रहे हैं आमिर खान। फिल्म का माहौल 3 महीने में 6 महीने बनाना पड़ता है जब आप 300 करोड़ का बिजनेस करते हैं। ठीक है चलिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर बात कही है, उसके बारे में बात करें, किसानों की सहिष्णुता पर तो बात नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, लेकिन अखिलेश जी सीधे आप पर आरोप लगा रहे कि योजनाबद्ध तरीके से आमिर खान ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी शामिल है उस योजना में, ये कह रहे हैं वो राजा बुंदेला। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, देखिए पहले के मेरे कई सवाल बचे थे उसका बाद जवाब होगा, दो सवाल इसमें उठे हैं। पहली बात यदि कोई बड़ा व्यक्तित्व हो गया नामी